everyone, assalamu alaikum. Welcome back to my channel Razia Unique Designs. Hope you guys you all doing well. And in today's video I'm going to share Pakistani salwar cutting and stitching. सो गाइज़, अगर आपने अभी तक इस कुर्ते की कटिंग एंड स्टिचिंग नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. सो गाइज़ देखें, हमने ये पाकिस्तानी सलवार बनाई है एंड हमने इस पर फ्लावर्स की डेकोरेशन की है, यू कैन सी गाइज. सो गाइज़ इसको बनाना बहुत ज़्यादा ईजी है एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स सी हाउ आई मेड इट एंड कीप वॉचिंग टिल द एंड. सो गाइज़ इस सलवार को बनाने के लिए हमने 2 मीटर रियॉन फैब्रिक का यूज़ किया है एंड 1.5 मीटर हमने इसमें चिकन करी लेस यूज़ की है जो मैं दिखा नहीं पाई. सो गाइस नाउ कट द सलवार. सो यहाँ पर हमने इसको 4 फोल्ड में फैब्रिक कर लिया है, यू कैन सी गाइस. एंड देन हम इसकी कटिंग करेंगे. सो देखिए, मैंने अपनी सलवार की लेंथ ली है 37 इंचेस. सो यहाँ पर हमने बेल्ट के लिए 2.5 इंचेस निकाला है जो हमने इसमें इलास्टिक ऐड करनी है. इस तरह से हम यहाँ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, यू कैन सी गाइस. एंड सो गाइज देखें, हमने यहाँ पर अपनी शलवार की लेंथ 37 इंचेस रखी है, यू कैन सी. एंड देन हम यहाँ से भी इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे. सो देखें, हमने यहाँ पर अपना क्रॉस एरिया रखना है 14 इंचेस एंड यहाँ भी हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे. यहाँ पर हमें अपनी शलवार का बॉटम रखना है 10 इंचेस. तो देखिए गाइस, हमने यहाँ पर मार्किंग कर दी है एंड देन हम इसकी कटिंग कर रहे हैं. सो देखिए गाइज, हमने यहाँ पर अपने क्रॉस एरिया में सिलाई कर दी है एंड देन हम दोनों पार्ट को लेते हुए इस तरह से एंड दोनों को साइडों से अटैच कर देंगे, यू कैन सी. देखिए, मैंने इस तरह से क्रॉस एरिया पर इस तरह से हमने यहाँ स्टिचिंग लगा देनी है, यू कैन सी गाइज. देन इसको हम टर्न करके इसके ऊपर भी हम एक स्टिच लगा देंगे. इस तरह से हमने दोनों साइडों में इस तरह से स्टिचिंग लगा देनी है. सो देखिए गाइज, मैंने यहाँ स्टिचिंग लगा दी है एंड देन हमने इसके ऊपर भी स्टिच कर दिया है. सो गाइज देखिए, तो देखिए हमने यहाँ पर इलास्टिक की लेंथ लेनी है 12 इंचेस. देन इसको हम फोल्ड करते हुए चारों ओर से स्टिच कर देंगे. सो गाइज देखिए, हमने यहाँ इलास्टिक भी ऑलमोस्ट डन कर दी है, यू कैन सी गाइज. सो गाइज देखें, अब हमने अपनी शलवार का बॉटम फोल्ड करना है. इस तरह से हम इसको डबल फोल्ड करके हम इसके ऊपर स्टिचिंग लगा देंगे दोनों बॉटम पर. देखिए गाइज, हमने अपने बॉटम पर स्टिच लगा दी है, यू कैन सी गाइज. सो गाइज, अब हम अपनी शलवार के बॉटम को थोड़ा डेकोरेट करेंगे. सो यहाँ पर हमने ये 1.5 मीटर हमने फ्लावर्स वाली लेस ली थी. इस तरह से हम एक एक फ्लावर को अलग कट करते जाएंगे. सो देखिए गाइज, हमने अपने फ्लावर्स की कटिंग कर ली है. अब हम यहाँ पर 4-4 इंचेस पर मार्किंग करेंगे एंड 4-4 इंचेस का हम स्पेस देते हुए मार्किंग कर रहे हैं अपने बॉटम पर. एंड हमने यहाँ पर मार्किंग कर ली है. अब हम ग्लू की हेल्प से अपने फ्लावर्स को पेस्ट करेंगे, यू कैन सी गाइज. हमने अपने बॉटम पर इसी तरह से ग्लू की हेल्प से इसको पेस्ट करना है दोनों बॉटम पर.
सो गाइज देखें, हमने यहाँ पर अपने फ्लावर्स को अटैच कर दिया है ग्लू से, एंड देन इसको हम थोड़ा ड्राई होने के लिए रख देंगे। सो देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारे फ्लावर्स ड्राई हो गए हैं। देन हमने यहाँ पर इसको टाँकना है सुई से। सो देखिए मैं इसको किस तरह से कर रही हूँ, हमने यहाँ पर छोटे छोटे से टाँके लेने हैं। सो गाइज वर्क को अंजाम देते हुए हमने अपने ऑल फ्लावर्स अटैच कर दिए हैं निडल से। यू कैन सी गाइज ये कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। एंड हमने यहाँ पर वही लेस लगानी है जो हमने अपने कुर्ते पे यूज़ की थी, और उसी प्रोसेस में लगानी है। सो गाइज देखें, सो गाइज देखें अब हम अपने बॉटम पर लेस को अटैच कर रहे हैं। हमने इसको हाफ शो कराना है एंड हाफ हमने इसमें हाइड करना है, यानी लेस को हाफ शो करना है एंड हाफ इसको हमने हाइड करना है। सो देखिए गाइज हमने यहाँ पर लेस को भी अटैच कर लिया है माशाल्लाह। सो देखिए अब हमने अपनी साइड में फिटिंग लगानी है, तो हमने अपना बॉटम 8 इंचेस लिया है। देन इसको हम मार्किंग कर रहे हैं, इसी मार्किंग के ऊपर हमने इस पर स्टिचिंग कर देनी है। सो गाइज देखें हमारी शलवार फाइनली डन हो गई है, हमने साइड स्टिचिंग भी कर दी है माशाल्लाह से। एंड देखें ये कितनी खूबसूरत लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है, इसका लुक माशाल्लाह बहुत अच्छा आया पहनने के बाद। सो गाइज उम्मीद करती हूँ मैं आप लोग भी इसको ट्राई करेंगे। सो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। एंड अगर आपने अभी तक इस कुर्ते की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।